वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास परमजीत सिंह पट्टी, पिंड डसका, जिला संगरूर, तहसील लहरा गागा। हर ऐतवार नूं पिंड डसके दे विच आपां मरीजां नूं मिलदे हां, जिहड़े छोटियां तों लै के वड्डियां बीमारियां दे नाल कई कई सालां तों जूझ रहे आ, ठीक नहीं हो रहे। दवाइयां खा के होर अक ते थक चुके है, शरीर नूं होर खराब कर रहे है। वो हर ऐतवार नूं पिंड डसके दे विच मैनूं मिल के नब्ज दिखा के देसी जड़ी बूटियां दे नाल अपने रोगां दा गरंटी दे नाल इलाज करवा सकदे हो। ये जिहड़ा डसका पिंड है, ये संगरूर जिले का पिंड है, तहसील है जिहड़ी वो लहरा गग है, नेड़े शहर बुढ़लाडा भी है, बरेटा भी है, सुनाम भी है, ते लहरा गागा भी है, बुढ़लाडा भी है। ये नेड़े शहर ने। सवेरे 7 बजे तो लैके शाम दे 7 बजे तक हर ऐतवार नूं पिंड डसके दे विच आपां मरीजां नूं मिलदे हां। सो अज जिस विषय 'च मैं तुहाडे सामने आया, वो है नौजवानां नाल, अध खाड़ उम्र वालिआं नाल, बजुर्गां दे नाल जुड़िया होया उहनां दा गुप्त रोग, लिंग दा, इंद्री दा छोटापन, पतलापन, टेढ़ापन ते ढिल्लापन। ये चार प्रॉब्लमां दे उपर मैं वीडियो बनाउण लग्गिआ, भावें दे कि साडे समाज दे विच इन्हां चीज़ां नूं छुपाण करके साडे नौजवान बहुत आत्महत्या वल चले गए, बहुत ने अपनी जिंदगी अपने हत्थी खराब कर दित्ती गई, बर्बाद हो गए परिवार, जां कह लो उहनां दे जिन्ने विआह होए है उन्हां ने अपने पार्टनर का भी जिंदगी खराब कर ली, आपदी भी खराब कर ली, एक इस करके कि वह दस नहीं सके किसी नूं। इनू यह जा रोग बना दिता भी गुप्त ही रखो। सो किसी भी तुहाडा रोग है उन्हूं दसन नाल इलाज होएगा, बिना दसे तो किसी चीज़ का इलाज नहीं हुंदा हुंदा। और संगण की कोई लोड़ नहीं, जदों बीमारी होवे संगण की कोई लोड़ नहीं हुंदी, तुसीं खुल के अपना रोग दस सकते हो। पिंड डसके दे विच मैं मरीजां नूं मिलदा, कल्ले मरीजां नूं मिलदा, किसे तर्हां दा कोई संगत दे विच नहीं। मेरे कोले कल्ला मरीज अंदर आउंदा है, गुप्त तौर ते उहदी सारी जानकारी गुप्त रखी जांदी है, गुप्त तौर ते अंदर आउंदा है, उहनूं सारी उहदी जांच करके उस मुताबक उहनूं गरंटी दे नाल उहदा इलाज कीता जांदा है। सो वीडियो नूं अगे शेयर जरूर कर दिया करो, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिया करो, तां जो हर एक वीडियो तुहाडे कोले पहल दे आधार ते पहुँच सके। सो हर ऐतवार नूं पिंड डसके दे विच मैं मरीजां नूं मिलदा। नौजवानां दे जिन्ने भी रोग ने, धांत है, सुपन दोष है, टाइमिंग दी दिक्कत है, नमर्दी आ गई, बिल्कुल अकड़ापन नहीं आउंदा लिंग दे विच, छोटापन है, पतलापन है, ढिल्लापन है, शुक्राणु बिल्कुल डेड हो गए है, उहनां दा गरंटी दे नाल इलाज कीता जांदा। स्टाम्प पेपर ते गरंटी लिखा के लै सकदे हो, 10 लख तक दा नाम दे सकदा मैं। तुसीं हर ऐतवार नूं पिंड डसके दे विच मैनूं मिल के अपने रोगां दा गरंटी दे नाल इलाज करवा सकदे हो। सो अज जिहड़ा मैं विशा तुहानूं पहलां दस्सिआ है, वो शाही तिल्ला, जिहड़ा राजे महाराजे शाही वैद्यां तों तैयार करा के अपने लिंग वास्ते वरतदे सी, तां जो वह भी उहदियां नसां ने जिहड़ियां तरोताजा रहिण। उहदे वास्ते तुसीं तेल घरे बना सकदे हो, वह नुक्ता तुहाडी मैं झोली दे विच महापुरशां दा दस्सिआ होइआ पाउण लगे हां। सारे नालों पहला जिहड़े तेल लैने आ वह नोट कर लो, बादाम का तेल लै लेना है जी, 50-50 ग्राम लै लो, 50 ग्राम बादाम का तेल, तिलां का तेल, जैतून का तेल, चमेली का तेल, धतूरे का बी तेल, जोक का तेल, अरिंड का तेल, लसुण का तेल, ये सारे तेल लै लेने हैं। इन्हां नूं तुसीं मिक्स कर लेना है एक कड़ाही दे विच जां एक बर्तन दे विच, उहनूं उबलना धर लेना है। जदों उबाला आउण लग गया तां उहदे विच कुछ जड़ी बूटियां लै के जिहड़ियां तुसीं पीस के पाउणियां ने वह नोट कर लो। रेग माही लैनी है तुसीं 10 ग्राम, माल कंगणी है जिहड़ी वह लैनी है 10 ग्राम, रतन जोत लैना है 10 ग्राम, गंडोए सुके हुए पंसारियां तों मिल जांदे आ 10 ग्राम, ते इस तरह तुसीं जोक का तेल लै सकदे हो, जां जोकां भी मिल जांदियां ने। वैसे तुसीं जोक का तेल पा लेना है तां जोक पाउण दी लोड़ नहीं पैंदी। वीर वाटी है जिहड़ी वह लैनी है 10 ग्राम, अकरकरा ईरानी है जिहड़ा वह 10 ग्राम,
ਮਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਜਲਵੈਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਲੌਂਗ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਦੇਸੀ ਕਪੂਰ ਭੀਮ ਸੈਨੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਿੰਗ ਸ਼ੁੱਧ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੇਸਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ, ਜੈਫਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਜੁੰਦ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ ਕੁਚਲਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਪਿਸਤਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਧਤੂਰੇ ਦੇ ਬੀਜ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਦਰੜ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲਾ ਦਵਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਤੇਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਲ ਹੈ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਬਲ ਉਬਲ ਕੇ ਹਲਕੀ ਅੱਗ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੀਆਂ 15 ਤੋਂ 20 ਬੂੰਦਾਂ ਸਵੇਰੇ, 15 ਤੋਂ 20 ਬੂੰਦਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ, 2 ਘੰਟੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ, ਸਟਾਮ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਛੋਟਾਪਣ ਹੈ, 1.5 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਾਈ 1/2 ਇੰਚ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਲਾਪਣ ਹੈ, ਟੇਢਾਪਣ ਹੈ, ਢਿੱਲਾਪਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾਪਣ, ਪਤਲਾਪਣ, ਢਿੱਲਾਪਣ, ਟੇਢਾਪਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡੱਸ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਡਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਡਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।